Hello everyone. Hope you all are doing good. I am Erika Sethi, working as assistant professor in Chandigarh Polytechnic College, Gurgaon. I will be teaching you basic of management. Have a start with our course. आप सब ये सोच रहे होंगे मैम कंप्यूटर में मैनेजमेंट क्यों डाला, इससे अच्छा कोई और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा देते, या अगर पढ़ाना ही था तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा देते, मैनेजमेंट ही क्यों पढ़ा रहे हो। आप सब अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचते ही होगे ना, और कुछ अटेन करने का भी सोचते होगे अपनी लाइफ में। तो हमें एक डिसीजन नहीं लेना होता, हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, और उन बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, और उन सब को मैनेज करना प्रॉपरली बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो सब चीजों को अचीव करना जो हम चाहते हैं वो तभी अचीव हो पाती हैं जब हम अपना सारा जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं उनको हम प्रॉपरली मैनेज करके और हम उन्हें अटेन कर पाए जो हम चाहते हैं, है ना। वो सब कैसे ले पाएंगे जब प्रॉपर हम मैनेज कर पाएंगे अपनी हर एक चीज को। मैनेजमेंट जो होती है ना हमें हर जगह चाहिए होती है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, या हमारी लाइफ लाइफ के डिसीजन हो या हमारी लाइफ है, हर जगह हमें एक मैनेजमेंट हमारी होनी ही चाहिए। अगर हमारी मैनेजमेंट नहीं है तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अटेन नहीं कर पाएंगे। हम जो चाहते हैं, बहुत सारे हम डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, तो अगर हम वो डिसीजन लेके और उन सबको प्रॉपरली हम ना चल पाए, प्रॉपरली मैनेज करके ना चल पाए, तो हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो नहीं पा सकेंगे। अब सपोज हम स्टूडेंट लाइफ से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब एक स्टूडेंट है, जैसे एक स्टूडेंट है ये, अब उसने हर एक काम करना है, उसने कॉलेज जाने के बाद टीवी भी देखना है, फ्रेंड्स के साथ खेलना भी है, मोबाइल भी देखना है, वो पढ़ना भी चाहता है, पढ़ना भी चाहता है। पढ़ना क्यों चाहता है कि हाँ भाई पास हो जाऊं पेपर में, बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं, है ना, चलो यार पास हो जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। कई बच्चे ये कहेंगे कि मैम हम तो असाइनमेंट नहीं कर पाए, मैम हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए कि मैम हमारे पास टाइम ही नहीं मिला। अब यहाँ से जाते हैं हम लोग कॉलेज से 4:30 बजे, उसके बाद घर पहुंचते हैं बस से 6 बजे, उसके बाद कब हम बुक्स को देखें, हमने मोबाइल भी जरूर चलाना होता है मैम, हमें टीवी भी जरूर देखना होता है मैम, हमने घूमना भी जरूर होता है। तो ये सब क्या है, हमारा एक इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है। अगर हम पूरा हर एक चीज को मैनेज करके चले कि हम जाएं थोड़ा रेस्ट करें, घंटा हम रेस्ट कर लें, उसके बाद हम थोड़ी देर खेल लें, टीवी देखें, थोड़ी देर बुक पढ़ लें, थोड़ी देर मोबाइल चला लें, तो ये सब क्या है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ। अगर हम अपनी लाइफ में प्रॉपर सब मैनेज करके चलेंगे, हम अपनी लाइफ में हर एक चीज को अटेन कर पाएंगे। अगर हम जैसे कोई स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मैं तो लाइफ में आईएएस बनना चाहता हूँ, गुड, इट्स गुड कि हम लोग ने एक अपना एक एम है हमारी लाइफ का, हमें आईएएस बनना। अब आईएएस बनने के लिए आप क्या करोगे, ये तो है नहीं कि भाई आप जाओ घर पे और जाके सीधा सो जाओ। अब सो के तो आईएएस नहीं बन सकते ना कि भाई हमने सोच रखा हमने आईएएस बनना पर हम आईएएस बन जाएंगे, आईएएस कभी हम ऐसे नहीं बन सकते। हमें उसके लिए क्या करना होगा, हम कॉलेज से जाते हैं, जाके हम थोड़ी देर घूमते हैं रेस्ट करके, ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश करना भी बहुत जरूरी, खेलना भी बहुत जरूरी है, एंड टीवी भी बहुत जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है, पर उसके अंदर हमें एक टाइम निकालना होता है कि हम उस चीज में हम अपनी आईएएस की तैयारी कर पाए। आईएएस की तैयारी करनी, हमारी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए,
हमारी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सिविक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए हमारे लिए, एम आई राइट? ये सब बातें चाहिए होती है हमें एक आईएएस के लिए। तो वो टाइम को हम मैनेज करते हैं, अगर हम दिन में तीन तीन घंटा दो दो घंटे भी अगर हम अपनी जनरल नॉलेज को स्ट्रांग करने में लगा दे, तो हम जैसे हमारी अब डिग्री कंप्लीट होगी तो हम उसके बाद अगर आगे आप पढ़ने जाओगे आईएएस में तो आपको कितना हेल्प मिलेगा कि आपके जनरल नॉलेज और हिस्ट्री, हिस्ट्री तो कभी चेंज नहीं होता, वो सब चीज आपकी पॉलिश होगी, जब आप दोबारा से पढ़ोगे वो चीज पॉलिश होगी। तो आपने क्या करा, हर एक चीज को प्रॉपर मैनेज करा, ठीक है? हम प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे अपनी लाइफ में तो हम जरूर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, जो कुछ ना कुछ तो नहीं कहते कि जो आप चाहते हो वो अटेन कर पाओगे, जरूर कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में हर एक चीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो और मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, प्रोसेस, बहुत कुछ होता है जो हम आगे फर्दर अपने सिलेबस में लर्न करेंगे। तो आज हम यूनिट वन स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट का, ठीक है, जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन में क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उससे पहले हम एक देखते हैं कि मैनेजमेंट वर्ड को हम स्प्लिट कर देते हैं, मैन, एज, मेन और टी। मैन इज द मैनेजर, एज इज नॉलेज, मैन इज पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जिसके ऊपर वो मैनेजर है, और टी फॉर टेक्नोलॉजी। वो मैनेजर क्या करेगा, अपनी नॉलेज से ऐसी टेक्निक लगाएगा उन पीपल को मैनेज करने के लिए। मैनेज कौन करता है, मैनेजर। हर एक कंपनी में क्या होता है, मैनेजर होता है। तो वो मैनेजर क्या काम करता है, मैनेज करता है पीपल को। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है दूसरों से काम करवाने का। कौन से, किससे काम करवाने के, एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। सपोज एक मार्केटिंग का मैनेजर है, वो किससे काम करवाएगा, एक जो मार्केटिंग से रिलेटेड ही ये उसके नीचे एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनसे ही काम करवाएगा, फॉर्मली अरेंज्ड, ठीक है। उसके बाद एक मैरी पार्कर ने क्या बोला है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद पीपल। वो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट एक कला है जिसके अंदर हम दूसरों से काम करवाते हैं, हमारा तरीका है कि हम दूसरों से काम कैसे करवाएंगे, ठीक है, मैनेजमेंट वो है। एक थर्ड डेफिनेशन है F.W. टेलर से, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सेइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक कला है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या करना है अपने सिचुएशन को देखते हुए क्या करना है, और उसे तो किस तरह एक बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट वे में, चीपेस्ट वे मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जो आपके पास चीजें हैं, आपके पास पैसा है, लोग हैं, उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करके उस काम को करवा सकते हो, ठीक है। Fourth one. Management is the accomplishment of results through efforts of other people. Management कब अच्छी मानी जाएगी, कब accomplish होगी, जब दूसरों लोगों के efforts होंगे, जब हमारा कोई काम अच्छा होगा,
और ऊपर मैनेजर जो काम करवा रहा है ग्रुप ऑफ पीपल से, अगर वो काम बहुत अच्छा होगा तो इट मीन्स क्या है, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है, एक फिफ्थ डेफिनेशन हैनरी प्योल से, जो क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट इज टू मैनेज, इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ये क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेज करना और आने वाले सिचुएशन को देखना, फोरकास्ट करना और उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है, और प्लान करने के बाद हमें हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना है जो भी हमारे पास है। हमें सोच रहे हैं कि भाई कितनी सेल बढ़ाएंगे और उस सेल को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, क्या क्या फाइनेंस चाहिए, उन सबको ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना उन सबको, उन सब के ऊपर कमांड करना कि भाई ये ऐसे 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 होगा, और उन सब के बाद उन सब चीजों में एक कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, जो हमने सोचा था क्या हम वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, वो सब क्या है, एक मैनेजमेंट का काम है। अब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, या क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर पीपल विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये क्या लाइन कह रही है कि मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाना इन इन एम ऑफ गेटिंग योर थिंग्स डन। वो थिंग्स क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारा गोल है उसे अचीव करने के लिए वो सब वो काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या हुआ, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं और दोनों को हमेशा बैलेंस करके रखना होता है हमें। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, अगर इफेक्टिवली नहीं होगा और एफिशिएंटली है सपोज, तो भी हमारी मैनेजमेंट फेल है, और इफेक्टिवली है और एफिशिएंटली नहीं है तो भी हमारी मैनेजमेंट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इन दोनों को हमेशा बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है, और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमें सपोज हमने ये सोचा कि एक प्रोजेक्ट लिया है हमने, वो हमने 1 वीक के अंदर अंदर खत्म करना ही है, और एफिशिएंटली यूजिंग अ मिनिमम रिसोर्सेज। सपोज हम इसमें रिसोर्स ले लेते हैं मनी, हमने 50,000 के अंदर ये प्रोजेक्ट 1 वीक में खत्म करना ही करना है। ओके, दिस इज अ टाइमलाइन क्या है, 1 वीक जो है इफेक्टिवली को शो कर रहा है। एफिशिएंसली क्या है, हमारा रिसोर्सेस, हमारी कॉस्ट जो हमने पैसे लिए हैं, राइट, 50,000। सपोज आपने इफेक्टिवली कर दिया, 1 वीक में काम कर दिया और हमने पैसे लगा दिया, 1 लाख रुपया लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, तो भी हमारी मैनेजमेंट वहां पे क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, और हमने टाइम ले लिया 1 मंथ और हमने पैसा लगा दिया 5 लाख, एफिशिएंटली हमने बिल्कुल सही लिया। ठीक है, तो वहां पे भी हमारी मैनेजमेंट फेल हो जाएगी। मैनेजमेंट क्या है, अपने काम को करवाना, काम करवाना तो हमने है ही, पर काम किसने करवाना है, हमने एक गोल अचीव करना है कि हमने अपनी इतनी सेल बढ़ानी बढ़ानी है, और ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना है। एफिशिएंटली मतलब इतने टाइम फ्रेम में हमने सेल बढ़ानी बढ़ानी है, और कितनी सेल बढ़ानी है, दैट इज योर एफिशिएंसी। ठीक है, और मिनिमम रिसोर्सेज के थ्रू अपने सेल कैसे बढ़ा रहे हो, वो भी इसका ही पार्ट है। ठीक है, अब प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, ये देखो ऊपर जो वर्ड आया हमारा प्रोसेस, अब इस वर्ड को हमने आगे फर्दर डिफाइन करा है। प्रोसेस क्या है कि हम जो हम नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसके बारे में प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना उससे रिलेटेड थिंग्स को, उसके बाद उसके लिए हमें और स्टाफ चाहिए या नहीं चाहिए वो भी हमारा मैनेजमेंट का है, उसके बाद हमें डायरेक्ट करना कि तुमने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है नए प्रोजेक्ट में,
और उसके बाद कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग क्या, जो हमने सोचा था क्या हम वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, दैट्स ऑल्सो आर कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस, अभी मैं इफेक्टिवनेस ऊपर बता चुकी हूँ। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम में काम करना, मींस कंप्लीटिंग योर टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल विद इन अ टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम क्या, एक जो हमें टाइम दिया गया 1 वीक का, हमें उसी के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या है कि हमने अगर 50,000 का प्रोजेक्ट लिया है तो हमें 50,000 में कंप्लीट करना, हमें 1 लाख नहीं लगाना है उसको। मीन्स कंप्लीटिंग ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो मैनेजमेंट का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब आप सोचो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं। हम लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ हमने सोचा होता है कि हमने आईएएस बनना है, और आईएएस से रिलेटेड हम अपने शेड्यूल में हम अपना उसके प्रिपरेशन को डालते हैं, ठीक है। हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, हमारा एक गोल है कि हमें आईएएस बनना है, तभी हम हर एक चीज को मैनेज करके चल रहे। हम इतनी देर पढ़ेंगे, इतनी देर वॉक भी करेंगे, इतनी देर न्यूज देखेंगे, तो ये क्या हमें वो गोल की तरफ लेके जा रहा है, हमें आईएएस बनने की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम कुछ भी मैनेज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई गोल जरूर होता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है अपनी सेल बढ़ाने का, तो हमने क्या करा, उसे 50,000 में करा और एक टाइम ड्यूरेशन में करा। अब 50,000 में ही कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को हम अपनी वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि हम 1 लाख नहीं लगा रहे हैं, 50,000 ही लगा रहे हैं। अगर हम 1 लाख लगाए तो मतलब हम अपने पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमने गोल है कि हमने सेल बढ़ानी है 5 लाख की, ठीक है। प्रवेसिव, प्रवेसिव क्या है कि जो मैनेजमेंट है हमें हर जगह चाहिए होता है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड लोकेशन एट ईच एंड एवरी लेवल। स्कूल में क्या होता है, मैनेजमेंट जो अपर मैनेजमेंट है वो प्लान्स बनाती है कि हमने नेक्स्ट ईयर कैसे कैसे हमने अपने स्कूल के और कोर्सेज लेके आने हैं, अगर और कोर्सेज लेके आते हैं हमें क्या क्या करना है। उसके बाद हम लोग का आगे टीचर्स हैं, टीचर्स क्या प्लान कर रहे होते हैं कि हमें दिस वीक हमें क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या असाइनमेंट देने, क्या क्या टेस्ट करने हैं। एंड स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग कि हाँ अपकमिंग टेस्ट है, हम उसके लिए पहले ही तैयारी कर लें, आज टीचर ने क्या करवाया हम उसे रिवाइज कर लें। तो हर कोई अपने आप में मैनेज करके चल रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज नीडेड एवरीवेयर, मैनेजमेंट इज नीडेड इन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इन होम यू नीड इट एवरीवेयर, एवरीवेयर। मल्टी डायमेंशनल, इट इज अ मल्टी डायमेंशन एट इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। इन स्कूल क्या होता है, आपका स्टाफ को भी एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्टाफ को देखेगा कि कौन सा स्टाफ जा रहा है, कौन सा नया स्टाफ आएगा, और जो स्टाफ है वहां पे उसको क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या देख रही है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब क्या है, जो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। कॉन्टिन्यूस, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड इट्स फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स साइमल्टेनियसली। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक बात बताई कि जैसे अब कोई सेल इंक्रीज करना चाह रहा है अपनी 5 लाख, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है हमारे पास कि हमें सेल इंक्रीज करनी है बाय 5 लाख।
ठीक है, उसके रिलेटेड हमने कोई प्रोजेक्ट चलाया था 1 वीक के लिए, और वो उसके ऊपर हमने 50,000 लगाना था, 1 वीक का प्रोजेक्ट था वो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे उसके अंदर, पहले प्लानिंग करेंगे कि हमने क्या क्या उसके अंदर कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना होगा इस बार, कितना नहीं होगा। ठीक है, कैसे कैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे प्रोडक्शन में। ठीक है, हम सब प्लान कर रहे हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमें कितना रिसोर्सेस लेके आना है, कितना नहीं लेके आना है ना। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम सबको। ऑर्गेनाइज कैसे, जैसे रॉ मटेरियल हमें कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, वो हमने प्लानिंग में कर लिया। अब ऑर्गेनाइज क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद जो हमारे सेल इंक्रीज होगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे को हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ये सब क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे, क्या हम जब ये सेल इंक्रीज कर रहे हैं, क्या हमें स्टाफ का और जरूरत है या नहीं है इसमें, तो स्टाफिंग करें डायरेक्टिंग कि जो हमने अब है, हमने नया सेल इंक्रीज करना है, तो हम हर किसी को डायरेक्ट कहेंगे भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ये काम। कंट्रोलिंग कि जो हमने काम कर लिया है और जो हमने प्लान करा था, क्या उसके अंदर हम उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए। अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो उसमें क्या डिफरेंस रह गए हैं, वो क्या कहाँ पे देखते हैं हम, कंट्रोलिंग में देखेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड इन सेंस इट इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल एज अ टीम टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बिजनेस में हमें ये पता है, जो हम कुछ भी मैनेज कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, वो हमें कहाँ लेके जाता है, प्रॉफिट में ही लेके जाएगा। हमें अपने बिजनेस को प्रॉफिट ही करवाना है, एक बिजनेस में यही रहता है हमेशा। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ये मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। वो कैसे है, देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, वहां का मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टीम है उसको मैनेज करेगा। जो एचआर की टीम है वो क्या करेगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम, वो सारे स्टाफ को मैनेज करेगी, है ना। और उसके बाद हमारी आपकी आ गई पॉजिटिव मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम क्या करेगी, उसने मार्केटिंग रिलेटेड मार्केटिंग का जो मैनेजर है वो उसमें क्या काम करेगा, उसमें मार्केटिंग रिलेटेड पीपल्स को वो देखेगा कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। किसके लिए कोऑर्डिनेट करेंगे, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कि हमें प्रॉफिट दिलवाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि मुझे अपने को नेक्स्ट टाइम कहाँ देखना है, मैं अगर मैनेजर हूँ, आई वॉन्ट टू बी सीनियर मैनेजर, तो वो मेरा क्या है, पर्सनल गोल है। ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होगा कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलवाना है, दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हम सबका सेम होता है। डायनेमिक फंक्शन, इट इज अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड है मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन इंडिया मार्केट। देखो वो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग चलती है, अकॉर्डिंग टू आर एनवायरमेंट। और एनवायरनमेंट क्या होता है, हर जगह का चेंज होता है। सपोज वो कह रहे हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है हमें कि मैकडोनल्ड ने क्या करा, अब इंडिया में उसको अगर अपनी मार्केट चलानी है तो इंडियन मार्केटिंग में क्या होता है कि पीपल आर मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन, तो यहाँ पे उसको अपने मेन्यू में क्या चेंजेस करने होंगे, उसको वेजिटेरियन फूड ज्यादा रखना होगा, तभी उसकी जो है फूड मार्केट चल पाएगी उसकी। वो चाइना में है, अगर वो चाइना में वेजिटेरियन रख दे तो उसका क्या हो जाएगा, मैकडोनल्ड तो वहां पे फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मेजर ऑफ पीपल आर नॉन वेजिटेरियन। तो हमें अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आर एनवायरमेंट।
एनवायरनमेंट में अगर बिजनेस को चेंज करना है तो हमें उसमें क्या होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, और तो वहां पे मैनेजमेंट भी उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ठीक है, इनटेंजिबल फोर्स। अब इनटेंजिबल फोर्स पढ़ने से पहले मेरे आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस बिटवीन होता है। टेंजिबल क्या होगा? टेंजिबल होता है जिसको हम फील कर पाते हैं, और इनटेंजिबल क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता हमें, सिर्फ फील कर सकते हैं। और टेंजिबल क्या है? जो फील कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। टेंजिबल हो गया जैसे हमारा असेट्स होगी, जैसे किसी की लैंड, बिल्डिंग, मोटरबाइक हो गया, वो सब क्या होंगे उसकी? टेंजिबल थिंग्स। इनटेंजिबल क्या हो गया? जैसे हमारी रेपुटेशन होगी, ठीक है, और मैनेजमेंट भी एक इनटेंजिबल है। फोर्स हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? इनटेंजिबल फोर्स हमें ये कैसे कहा गया? हम मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते हैं, लाइक मोटरबाइक या फोन की तरह उसे टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक फेल्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, उसकी हमेशा मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, तभी वो ग्रो कर पा रही है। अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, इट इज इनटेंजिबल फोर्स एज इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। फॉर्म ऑफ रिजल्ट लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव आर मेट एंड वेदर पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट, एंड दीज आर ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क एनवायरमेंट। अब मैंने आपको बताया अभी भी कि इनटेंजिबल है ये, क्यों है? कि हम सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ग्रो कर रही है तो हमारी मैनेजमेंट अच्छी है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग मोटिवेटेड रहेंगे तो हम, वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अगर हम अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन प्रॉफिटेबल, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? उसका अल्टीमेटली गोल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होगा? कि हमें प्रॉफिट ही लेना। ठीक है, चाहे हमें अपने प्रोडक्ट सेल करना है, चाहे हम सर्विस मार्केट में है, कुछ भी है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या? गेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? अगर हमारे मैनेजर अच्छा है, सपोज एक मार्केटिंग की टीम है, उसके अंदर मैनेजर बहुत अच्छा है, तो क्या होगा? वहां के लोग मोटिवेटेड रहेंगे, और वो उनको एज अ मेंटर भी हेल्प करेगा। मेंटर हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा? कि तुम ऐसे काम करो, अगर तुम ऐसे काम करते रहोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी। ठीक है, टू बिकम अ सीनियर सीनियर मार्केटर, है ना? मार्केटिंग में जैसे अब एम्प्लॉयज के अंदर भी एक सीनियर होता है, मॉनिटर ले लो एक, है ना? तो वो क्या है उसका? वो पर्सनल गोल है। और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलाना, वो क्या है? एक ग्रुप गोल है। बंदा सेटिस्फाई रहेगा कि भाई हाँ, मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, और प्रमोशन मिलेगी तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, और जब सारे अच्छा काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन गोल। इंडिविजुअल इज गेटिंग प्रमोशन, मैनेजमेंट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कोई चीज अपनी हमेशा प्लान करके चल रहे हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो हमेशा अच्छी ही होगी। अगर हम कुछ भी सोच नहीं रहे हैं कि यार अब सपोज हम लेक्चर्स ले रहे हैं, हम लेक्चर्स अगर प्लान नहीं है, इस टाइम पे ये टीचर लेक्चर लेगा, इस टाइम पे ये टीचर लेक्चर,
तो फिर ऐसे तो हो जाएगा, आपको भी समझ नहीं आएगा कि कौन सा टीचर आएगा लेक्चर लेने, कब किसका लेक्चर होगा। तो मैनेजमेंट से क्या होगा, हम प्रॉपर प्लान करते कि इस टाइम पे तुम्हारा मैनेजमेंट का है, इस टाइम पे तुम्हारा पीएचडी का है, इस टाइम पे तुम्हारा मेजर प्रोजेक्ट की लैब है। तो हर की चीज क्या है, मैनेज है, ठीक है, टाइम टेबल मैनेज है। और उसके बाद कौन सा टीचर प्लेसमेंट को संभाल रहा है, कौन सा टीचर तुम्हारा सारा एकेडमिक को संभाल रहा है, वो सब क्या है, प्रॉपर तरह मैनेज है। जो मैनेज है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, दस मैनेजर कीप चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरनमेंटल चेंजेस। अब आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट डायनेमिक क्यों है, एनवायरनमेंट को हम डायनेमिक क्यों कहते हैं। हम लोग की कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती है, ठीक है, जैसे पहले टैक्स था, फिर उसके बाद हमने जीएसटी शुरू कर दिया। तो हर एक कंपनी उसी अकॉर्डिंग अपना प्लान करेगी फाइनेंस को, कि पहले तो हमारा टैक्स लगता था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे पहले, अब सिर्फ क्या लगता है, सिर्फ जीएसटी लगता है, जीएसटी इज गुड सर्विस टैक्स, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट भी फाइनेंस की चेंज होगी। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये मैंने ऊपर आपको सारा एक्सप्लेन करा है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम कैसे अचीव करते हैं, ऊपर वाली लाइन में मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज हो तो आप मुझे बता देना। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इट प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी, इन द सेंस इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, अब हम सोच रहे हैं कि हमने अपना सेल बढ़ानी है, ठीक है, अब सेल बढ़ानी है तो हमने सोचा कि अब मार्केटिंग में क्या करते हैं। पहले तो हम करते थे सिंपल न्यूज़पेपर में मार्केटिंग करते थे, ठीक है। अब हमने इस बार ये सोचा कि हम अपनी न्यू टेक्निक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जहां हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होगी उस एरिया में, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट तो लोग आएंगे कि सीखेंगे कि भाई हाँ डिजिटल मार्केटिंग चीज नाम की भी कोई चीज है, तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनका क्या होगा कि उनको एडवांसमेंट मिलेगी, भाई हाँ आजकल ये भी चीज यूज होती है और इसको भी हम पढ़े। उनका क्या होगा, उधर क्वालिटी और जो है उनका सोसाइटी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, वहां पे उनकी क्वालिटी बढ़ेगी। तो वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली जब हमारी कंपनी बढ़ रही है तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पे बढ़ती है, ठीक है। तो इट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है। मैनेजमेंट इज अ साइंस, साइंस आपको पता है क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ आर्ट, ये दोनों देखो, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। आर्ट क्या है, एक कला है। साइंस में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अगर हमारा ट्री से एक एप्पल नीचे गिरा है, वो क्यों गिरा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसका क्या कॉज था, वो नीचे क्यों गिरा, आसमान में क्यों नहीं उड़ा, क्यों नहीं उड़ा, ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वो क्या होती है, हमारी साइंस होती है। मैनेजमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कुछ टेक्निक्स पढ़ते हैं, ठीक है। उन टेक्निक्स को, उन प्रोसेसेस को कब और कहाँ लगाना है, दैट द आर्ट, आर्ट इज कला, ठीक है। जो हमने टेक्निक, जो हमने प्रिंसिपल्स, जो हमने प्रोसेस, जो भी हम मैनेजमेंट में सीख रहे हैं, उसको कब कहाँ और किस वक्त लगाना है, वो हमारा आर्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन,
प्रोफेशन. अब मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, इट डज नॉट मेट द एग्जैक्ट क्राइटेरियन ऑफ अ प्रोफेशन, इट डज हैव सम फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन. ये कहता है एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है, इसके अंदर कुछ हम लोग को फीचर्स होते हैं प्रोफेशन के, वो कैसे देखो. अब आप एक बिना पढ़ा भी बंदा, जिसको जिसे कहते हैं ना मैनेजमेंट हमें पढ़ने से नहीं आती, सिर्फ मैनेजमेंट हमें प्रैक्टिकल करने से समझ आती है. ठीक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, पर जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तभी हमें समझ नहीं आएगी कब कहाँ कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, और जैसे हम डॉक्टर के लिए क्या होता है, हमें IMS से सर्टिफाइड होना पड़ता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू. ठीक है, पर हमें मैनेजमेंट में कोई भी नहीं जरूरत होती, जैसे हमें IMS होना होता है वहां पे, यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं होती कि हम किसी के थ्रू, एक है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसके थ्रू हम सर्टिफाइड है या नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. कोई भी बंदा मैनेजमेंट का कोर्स करके, अगर किसी की मैनेजमेंट अच्छी है, सपोज मैंने MBA कर लिया, मैंने उस इंजीनियरिंग के बाद हम मैंने MBA कर लिया, ठीक है, और मेरी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्किल्स हैं, तो क्या होगा, कंपनी वाले क्या कहेंगे, कम यार तुम आ जाओ, तुम्हारे पीछे काम दौड़ेगा अगर तुम्हारे मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है. पर डॉक्टर में क्या होता है, हमें IMS सर्टिफाइड होना पड़ता है तभी हम अपनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, पर मैनेजमेंट में नेसेसरी नहीं है सर्टिफाइड होना. ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में क्या है कि इसमें कुछ फीचर होते हैं प्रोफेशन के, कि जैसे हमें सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है, पर इसके अंदर हमें हर एक टेक्निक को प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि हमें इसे कैसे लगाना है. अगर हम कुछ मैनेज ही नहीं कर पाएंगे ढंग से तो हमें कोई भी जॉब पे नहीं रखेगा, चाहे हमने MBA किसी भी अच्छे कॉलेज से करी हो, IIM से क्यों ना करी हो, अगर हमारे मैनेजमेंट स्किल अच्छे नहीं है दे विल किक आउट ऑफ यू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हम चाहे BA पढ़ के और मैनेजमेंट का कोर्स पढ़े तो भी हमें अच्छी जॉब मिल सकती है, पर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पर डॉक्टर में सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है हमें, एंड CA में भी होती है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि why मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड अ साइंस, why, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, और ये पूछता है कि इज मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, तो उसमें आंसर क्या होगा, नो. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, थैंक यू वेरी मच.